ठीक है, देखो ये वाली क्लास जो है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तुम ये कह सकते हो कि ये वाली क्लास कनेक्टिंग क्लास है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे रिएक्शंस हम जान रहे होते लेकिन इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट ऑप्शन में कुछ और दिया होगा, वहाँ मेनली इन रिएजेंट्स का काम होता है। मेरी एडवाइस है कि तुम चीज़ों को अच्छे से याद कर लो कि कौन सा रिएजेंट किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में तुमको उतना मैकेनिज़्म पे ध्यान नहीं देना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में। इसमें सिर्फ तुमको रिएजेंट्स याद होने चाहिए। जितना अच्छे से रिएजेंट्स याद रखोगे उतना आसानी से तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। जब तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करते हो, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स, जो जो आईयूपीएसी पढ़ा होगा उनको पता होगा हाइड्रोकार्बन सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट कहने का मतलब इसके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ये कह सकते हो कोई ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीडेशन का मतलब पहले से तुम जानते हो, किसी भी चीज़ के अंदर जितना ऑक्सीजन ऐड करें या उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन इस लैडर में सबसे पीछे होता है। ठीक है, अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। तो दूसरा जो स्टेप है वो अल्कोहल का। फिर अगर फर्दर तुम इसको ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, फर्दर तुम इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, और अगर फिर हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एसिड्स में। तो ये एक चेन है, ऑक्सीडेशन चेन कह लो इसको। ठीक है, हमको इसी चेन को फॉलो करके ही चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते जाएंगे कि हाइड्रोकार्बन को अल्कोहल में कैसे चेंज करना है, फिर अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कैसे चेंज करना है, और एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे एसिड में चेंज करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि डायरेक्टली अल्कोहल कन्वर्ट हो जाए किसमें, एसिड्स में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो देखो होगा क्या, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन सब बारे में, तो आज हक की पूरी क्लास, जो ये पूरी क्लास है, वो सिर्फ इसी के बारे में होगा कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुन ध्यान से, तो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, कितने तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक, और जैसे ये देखो ये लैडर दिखाए थे कि हाइड्रोकार्बन से तुम अल्कोहल में जाओगे, अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाओगे, तो ये स्टेप वाइज, ये देखो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। या तो ये वीक हो सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। वीक की जगह बेटर वर्ड है कि हम लोग माइल्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। सबका क्या काम होगा ये हम बताएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देता है, यानी वो कंट्रोल नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधे हाइड्रोकार्बन से उसको एसिड में कन्वर्ट कर दे या अल्कोहल से उसको एसिड में कन्वर्ट कर दे, ऐसा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेप वाइज बढ़ता है, यानी वही जो हम तुमको अभी लैडर बताए थे, लैडर दिखाए थे तुमको, फॉलो करेगा। ठीक है, तो जहाँ भी तुमको डाइल्यूट के MnO4 दिखे, ठीक है, सुनते रहना प्लीज़, डाइल्यूट के MnO4 दिखे ऐसा, ठीक है, या एक्वस के MnO4 दिखे, न्यूट्रल के MnO4, ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें तुमको दिखती हैं, हमेशा ध्यान रखना कि ये सब जो हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, MnO2 हो गया, बहुत सारा रिएजेंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ तुमको एसिडिफाइड के MnO4 दिखे, ठीक है, एसिडिफाइड के MnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ऐसा कहीं तुमको अगर दिख रहा है, ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिएजेंट हम लोग केस वाइज एक एक करके डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हम बस तुमको एक जनरल नॉलेज दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असल में होते क्या है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, या एक एक करके हम सारे कॉम्प्लेक्स का आज ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे, फिर कल वाली क्लास या जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें रिडक्शन डिस्कस करेंगे, तो तुमको दोनों चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, सबसे पहले तो तुमको पता है एल्केन एक सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन इस पूरे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान लो हम ये प्रोपेन लिखे हैं, तो पूरे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे लीस्ट, ये कह सकते हो सबसे लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो तुम्हारा एल्केन होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्केन इज़ लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। तो ये चीज़ ऑक्सीडेशन पे भी फॉलो होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन में भी तुमको ये चीज़ पता चलेगा कि एल्केन जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये कह सकते हो एल्केन ऑक्सीडाइजेस इन या अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ही एल्केन ऑक्सीडाइज होगा, अदरवाइज एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबको समझ में आ रही होगी कि एल्केन कब ऑक्सीडाइज होगा, कब ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनते जाना। एल्केन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, वो है एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तो कोई भी एल्केन है, अगर कोई भी एल्केन है, जैसे हम एक एल्केन ले ले रहे हैं, ठीक है, RH, और उसको अगर हम ट्रीट करें एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हल्की सी हीट करके। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एसिडिफाइड KMnO4 अगर हीटिंग नहीं भी दी है तो ऑटोमेटिकली तुम समझ लो वो हॉट है। ठीक है, वो गर्म एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ हो रहा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ROH में। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। एल्केन जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन इसके प्रेजेंस में, कि एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया। तो RH किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, ROH में। क्लियर है सबको? अच्छा, तो लेकिन इसमें कुछ चीज़ें तुम जान लेना। ठीक, जैसे हर एल्केन का हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ वही हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, जैसे देखो ध्यान से, जो टर्शरी पे हो। हमेशा ध्यान रखना कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन टर्शरी हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अगर हम इसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमेशा पहले टर्शरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं। भाई हाइड्रोजन तो देखो यहाँ भी मिलेगा तुमको, हाइड्रोजन तो कई जगह मिलेंगे, यहाँ भी तुमको हाइड्रोजन मिलेगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन मिलेगा, और तुमको हाइड्रोजन यहाँ भी मिलेगा, इस जगह पे भी मिलेगा, ये भी देख रहे हो तुम हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इस जगह पे भी हाइड्रोजन है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि टर्शरी हाइड्रोजन के केस में ही टर्शरी वाला ही ऑक्सीडाइज होगा। दिस विल ऑक्सीडाइज। तो जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, CH3, और यहाँ पे क्या बच्चा, OH। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, सबको समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो देखो है क्या, ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन आए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, फिर भी वो ऑक्सीडेशन काउंट होगा, क्योंकि तुमको पता है कि ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही तरीका है। तो एल्केन्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एरोमेटाइजेशन की, तो जो भी एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो असल में एक टाइप होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो अगर तुम कभी भी 6 कार्बन का अगर तुम कोई एल्केन ले लो, हेक्सेन, मान लो ये हेक्सेन है,
ठीक है, हमने ये हेक्सेन बना दिया, ठीक है। और अगर हम इसको ट्रीट करें Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, ठीक है, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये खुद को एरोमेटाइज कर लेगा और बेंजीन बना लेगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक रखना कि जब कभी भी एक्स्ट्रा कार्बन होगा, जैसे अगर तुम एन हेप्टेन है, हेप्टेन है, हेप्टेन का मतलब समझते हो, सात कार्बन होगा, तो सात कार्बन होगा तो तुम ऐसा करो, सात कार्बन पहले लिख लो, जैसे हम ऐसे लिख लिए CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या हो गया बच्चा CH2 CH3, ये हेप्टेन है। और अगर अब तुम इसको Cr2O3 Al2O3 और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे, तो देखो ये छः, देखना ध्यान से हम जो बोल रहे हैं, ये छः जो हैं ये वाले, ये तो बेंजीन बना लेंगे, ठीक है, ये वाले तो बेंजीन बना लेंगे, इतने वाले, ठीक, इतने वाले बेंजीन बना लेंगे, तो बचा हुआ कार्बन तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह, ये ऐसा, ये बेंजीन बन गया, ठीक। और एक कार्बन जो बचा है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये टॉलविन हो गया, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना अच्छे से कि एन हेप्टेन जो है वो टॉलविन में कन्वर्ट हो गया। अगर एन ऑक्टेन होता तो दो कार्बन एक्स्ट्रा हो जाते, ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर दो कार्बन एक्स्ट्रा लगे रहते। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिन छः कार्बन का तुम रिंग बना लो और जो बचा हुआ कार्बन है उसको वैसे ही ऊपर रख दो। एल्केन के केस में ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग या ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं है, यही दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो तुमको याद रखने हैं, ठीक है। सेकेंड केस आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा, एल्कीन का ऑक्सीडेशन देखो, थोड़ा ध्यान देना इस केस में कि यहाँ क्या होगा। तो एल्कीन के केस में जो अटैक करने वाली जगह होती है वो होती है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है, इसके साथ कोई और आर डैश भी जुड़ा, कोई और कार्बन भी जुड़ा हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के कई सारे रिएक्शंस होते हैं, माइल्ड भी होगा कुछ, स्ट्रॉन्ग भी कुछ होगा, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन विथ पेरोक्साइड। ये बच्चा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पेरोक्साइड। जब कभी भी कोई एल्कीन है, जैसे कोई एल्कीन है RC डबल बॉन्ड CR, और अगर तुम इसको कोई भी पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करो, चाहे H2O2 के साथ, चाहे C6H5C OOH के साथ। ध्यान रखना पेरोक्साइड का मतलब ही होता है कि एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तुमको पेरोक्साइड पहले ही बताया गया होगा, हम देखो इधर नोट में बता दे रहे इसका स्ट्रक्चर कि पेरोक्साइड मतलब होता है जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर दो ऑक्सीजन कभी भी जुड़ा रहे, ये वाला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पेरोक्साइड कहते हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पेरोक्साइड तुमको पहले से पता है, तो ये पेरोक्साइड का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड CR H2O2, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बेंजाइल पेरोक्साइड या मेटाक्लोरोबेंजाइल पेरोक्साइड, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम MCPBA बोलते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि MCPBA है क्या, MCPBA, तो इसको पूरा नाम क्या होता है MCPBA का बच्चा, मेटाक्लोरोबेंजाइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये पूरा नाम होता है मेटाक्लोरोबेंजाइल पेरोक्साइड, MCPBA, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा। तो या इसको ऐसे कह लो मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, अब सही है। तो ये MCPBA है, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो इस डबल बॉन्ड पे अटैक होता है, ठीक है, दिख रहा सबको, और वो प्रोडक्ट क्या बनती है, RC सिंगल बॉन्ड CR, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह एक ऑक्सीजन अटैच होगा। ये
इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देते हैं इपॉक्सी कंपाउंड, ठीक है, ये इपॉक्सी कंपाउंड है। तो इपॉक्सी मतलब ही होता है तीन मेंबर की रिंग और उसका एक एटम ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो जब कभी भी किसी एल्कीन को तुम ट्रीट करते हो, ठीक है, किसके साथ, MCPBA या परबेंजोइक एसिड के साथ या H2O2 के साथ, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इपॉक्सी कॉम्प्लेक्स। से हम एक तुमको रिएक्शन अभी थोड़ी देर, एक मिनट रुकना, सॉरी, हाँ, रिएक्ट कर देगा। अच्छा, आगे समझो, सेकंड ऑक्सीडेशन एल्कीन का जो होगा वो होगा कौन सा, रिएक्शन विथ, ये हम क्लास में डिस्कस भी किए हैं, ठीक है, रिएक्शन विथ अल्कलाइन KMnO4, जिसको याद होगा बेयर्स रिएजेंट, हम बेयर्स रिएजेंट पढ़ाए हैं सबको, अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन, कि अगर कोई भी एल्कीन होता है, हम इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम बता चुके हैं कि आज वाली जो क्लास हो मैकेनिज्म बेस्ड नहीं है, हम तुमको सारे रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एक जगह बता दे रहे ताकि तुमको कोई तकलीफ ना हो। तो RC डबल बॉन्ड CR, ये अल्कलाइन KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट के साथ तुम ट्रीट करते हो, तो उस केस में इसके मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तुम वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रीट करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस केस में ये डबल बॉन्ड टूट जाती है, ठीक है, RRCCR, ये ऐसा होगा, और दोनों डबल बॉन्ड हट के वहाँ पर क्या लग जाता है बच्चा, OH लग जाता है। तो ये अल्कलाइन KMnO4 का रिएक्शन है। ये हमेशा ध्यान रखना कि सिन एडिशन होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, सिन एडिशन होता है, ठीक है। और ये डायोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डायोल का रिएक्शन भी बताएंगे तुमको, डायोल क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरा रिएक्शन होता है बच्चा ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन होता क्या है कि जब कभी भी तुम किसी एल्कीन को, ठीक है, ट्रीट करते हो ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgO, ठीक है। ये बच्चा थोड़ा ध्यान रखना, ओजोनोलिसिस दो तरह का होता है, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव। हम इसको स्टेप वाइज तुमको समझा रहे हैं। पहला स्टेप सबका एकदम कॉमन होता है, कोई चीज़ इसमें अलग नहीं होती। एल्कीन के ऊपर हम सबसे पहले ओजोन का यूज़ करते हैं और कोई का नहीं, तो ये इसको कन्वर्ट करता है RCCR, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बच्चा, इसको नाम हम लोग देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड, ठीक है। अच्छा, मोलोजोनाइड जो है वो फर्दर खुद को चेंज करता है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। मोलोजोनाइड फर्दर खुद को चेंज करता है, ठीक है, और कन्वर्ट होता है किस में, फिर ओजोन के साथ जब तुम ट्रीट करोगे, सॉरी ओजोन के साथ नहीं, ये अपने को रीअरेंज करेगा और खुद को कन्वर्ट करेगा किस में, खुद को कन्वर्ट करता है RCC ऑक्सीजन, ये बीच वाला नहीं रहेगा बॉन्ड, ठीक है, ये RC ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऐसा, इसको हम लोग नाम देते हैं ओजोनाइड, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी एग्ज़ाम में आए कि अगर सिर्फ ओजोन के साथ ट्रीटमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो उस केस में ये ओजोनाइड फॉर्म होता है। ओजोनाइड को दो तरह से तुम ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना, ओजोनाइड को हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या तो तुम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओ या तो तुम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओ। अगर तुम इसका ऑक्सीडेटिव या पहले रिडक्टिव बात कर ले रहे, अगर हम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव, तो उस केस में हमको यूज़ करना पड़ता है ZnHg, उसके साथ H2O, सही है। क्या बनेगा उस केस में, उस केस में पूरा कर लें हम ये R, ठीक है, उस केस में क्या बनेगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस O डबल बॉन्ड CRH। ये बच्चा थोड़ा सा इसको फोकस करके ध्यान दो, यहाँ जो हाइड्रोजन अटैच था, ये यहाँ दो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, सही। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के केस में कुछ नहीं हुआ है, अगर तुम सिर्फ इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट देखो, इस प्रोडक्ट को देखो यहाँ पे, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को देखो यहाँ पे,
तो इन दोनों में है क्या? इन दोनों में बस कुछ नहीं हुआ है, हम लोग एक बॉन्ड को ब्रेक कर लिए, बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए और दो प्रोडक्ट बना दिए। लेकिन अगर यहीं पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, ठीक है, अगर यहीं पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अगर इस केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, ओजोनोलिसिस, ठीक है, तब उस केस में हमको क्या मिलता? हमको उस केस में मिलता, ध्यान देना, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O H प्लस प्लस O डबल बॉन्ड C H और यहाँ पे R, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में ध्यान से देखो, तुमको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दोनों जगह OH आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यही एक छोटा सा फ़र्क है कि जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक करेगी ही करेगी, ये तो फिक्स है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा, ये भी सही है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस केस में जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं एल्कीन के साथ, ठीक है, सुनना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस केस में जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं एल्कीन के साथ वो कन्वर्ट हो जाते हैं OH में, ठीक है। इस केस में हम जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, H2O2, ठीक। तो हम एक बार पूरा समराइज़ कर रहे हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ओजोन पहला रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, वो तो कॉमन रहेगा। ओजोन के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ओजोन के साथ, सुनना ध्यान से, अगर ओजोन के साथ ZnHgH2O अगर इन्वॉल्व हुआ है तो उस केस में हमारे पास कौन सा आएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा, उस केस को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो उस केस में H2O2 का इस्तेमाल किया जाता है और वो डबल बॉन्ड वो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और साथ ही क्या आ जाएगा दूसरे साइड में बेटा, ऑक्सीजन। दोनों में फ़र्क सबको समझ में आ जा रहा, क्लियर है सबको, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में। हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं थोड़ी देर पहले, हाँ, एल्कलाइन KMnO4 का। अच्छा, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ हमने यूज़ किया एल्कलाइन KMnO4, दिख रहा है सबको ये वाला रिएक्शन, ये वाला, ठीक है। तो एल्कलाइन KMnO4 है, हम चाहें तो यहाँ पे एक और रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ये कह सकते हो एल्कलाइन KMnO4 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। तुम चाहो तो KMnO4 की जगह, एल्कलाइन KMnO4 की जगह ऑस्मियम टेट्रा, तुमको ये क्वेश्चंस करने हैं, हम एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चंस तुमको बता रहे हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई ये पूछा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, अगर हम इसको ट्रीट करें ओजोन के साथ ZnHgH2O, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और फिर प्रोडक्ट लिखना शुरू करेंगे CH3C, सही है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया तो वहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, सही। अच्छा बच्चा ध्यान देना, ZnHg का इस्तेमाल हुआ है तो कौन सी ओजोनोलिसिस होगी, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी, हमको समझ में आ गया ये रिडक्टिव है। दूसरे वाले कंपाउंड को भी लिख लो CH3 C डबल बॉन्ड O। अब जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो हाइड्रोजन जस का तस रख देंगे हम लोग यहाँ पे, ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन तुमसे ये बोलता कि CH3 है, CH है, मान लो हाइड्रोजन हम बना दे रहे CH CH3, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ भी एक CH3 कर दे रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। और तुमसे कोई बोलता O3H2O2 के साथ इस्तेमाल किया, तो अगर ZnHg नहीं है तो ये समझ में आ गया कि ये कौन सा ओजोनोलिसिस होगा बच्चा, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। ऑक्सीडेटिव होगा तो तुम पहले इसको ब्रेक करो, तरीका समझ लो, ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर लिया तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा बच्चा, ब्रेक करने पर आएगा CH3, ठीक है, C ये आ गया,
डबल बॉन्ड ओ, वो तो उतना करना ही हमको, फिर सामने उसी के सामने, फिर हम लिखेंगे प्लस ओ डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या बच्चा CH3। ठीक, अच्छा जहाँ जहाँ H है वहाँ वहाँ OH लगा दोगे एल्कीन पे, इस वाले पार्ट पे देखेंगे, जहाँ H है वहाँ OH लगा देंगे, तो ये H की जगह क्या हो जाएगा OH, चूँकि यहाँ पे H नहीं था तो यहाँ CH3 का CH3 रहेगा। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे अगर तुमसे कोई ये बोला यहाँ पे CH3, ठीक है, CH2, सी डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेटिव भी करते हैं, पहले रिडक्टिव करते हैं, जेड एनर्जी H2, पहले ये करते हैं। चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगी, सोचो ध्यान से। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रेक करेंगे इसको, ठीक, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ। कौन सी ओजोन लिसिस है बच्चा, जेड एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब कौन सी ओजोन लिसिस है, रिडक्टिव, रिडक्टिव है तो हाइड्रोजन जस का तस, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हाइड्रोजन पे, ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा बच्चा, सी डबल बॉन्ड ओ H2, ठीक, ये दो प्रोडक्ट आ गए। सेम क्वेश्चन, ठीक है, यूज़ हो रहे साइट का इस्तेमाल, सेम क्वेश्चन, अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस कराएं, ठीक है, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन बना लो बच्चा, क्योंकि उसका काम पड़ेगा। अब तुम क्या करा रहे, इसका ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस करा रहे, ऑक्सीडेटिव का मतलब O3 H2O2 मान लो तुमको दे दिया। चलो क्या होगा, पता है क्या होगा, पहले क्या होगा बताओ सब लोग, पहले ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी, सही है, बॉन्ड ब्रेक करेगी तो क्या बनेगा, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, और सामने क्या हो जाएगा बच्चा, ओ डबल बॉन्ड सी। अब क्या बताए थे, ये कौन सी ओजोन लिसिस है, ये कौन सी ओजोन लिसिस है, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव है, इसका मतलब ये जितना पार्ट यहाँ पे तुम देख रहे हो उसमें जो जो हाइड्रोजन होगा, एल्कीन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में। तो ये H किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, OH में, यहाँ दो H हैं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH और OH। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, ये तो बन गया H2CO3, ध्यान रखना जब कभी भी ऑक्सीडेशन में कहीं भी H2CO3 बने, ध्यान रखना वो स्टेबल नहीं होता, वो अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है, H2O कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस किस में, H2O में। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आ रही, तो एक प्रोडक्ट तो ये आएगी यहाँ वाली, ठीक है, दिखा सबको, एक ये प्रोडक्ट आएगी, ये दूसरी कौन सी आएगी बच्चा, दूसरी ये आएगी, ठीक। तो हमारे पास कुल मिला के इसमें तीन प्रोडक्ट आएंगी, एक तो हमारे पास आएगा प्रोपेनोइक एसिड, एक आएगा CO2 और दूसरा क्या आएगा H2O। क्लियर हो गया, कोई नया, सबको समझ में आ रहा। अच्छा ये बात ध्यान रखना, कई बार ज़रूरी नहीं कि रिएजेंट्स वही यूज़ हों जो करते हो, सेम इफ़ेक्ट हो नहीं होगा, यानी अगर हमारे पास कोई एल्कीन है RC डबल बॉन्ड CR HH, ठीक है, और तुमने इसके ऊपर यूज़ किया गया एल्कलाइन KMnO4, तो भी हमको सिस डायोल मिलेगा, OH एक H रहेगा, HOH, ठीक है, सही है, डायोल, और चाहो तो तुम इसके ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaHSO4 H2O, ठीक है, तुम जब इसका इस्तेमाल करोगे तो भी उस केस में हमको क्या मिलेगा बच्चा, RCCOHOHR, ठीक है। तो ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं, हो सकता है एक ही रिएक्शन को कराने के कई सारे रिएजेंट्स हों, और ये एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने का बहुत काम आता है, तुम एल्कलाइन KMnO4 रट के गए हो और वहाँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आ गया, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो तुमको रिएजेंट्स को याद करना ही पड़ेगा। तो हमने तीन रिएजेंट्स अभी डिस्कस किए एकदम शुरू से, देखो एल्कीन के बारे में, पहला क्या, एल्कलाइन KMnO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, सिस डायोल, जो काम एल्कलाइन KMnO4 करेगा वही काम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaHSO3 इसको NaHSO3 कर लेना,
NHHSO3 के साथ इस्तेमाल करके करेगा, ठीक है, वो भी सिस डायोल प्रोड्यूस करेगा। सिस डायोल मतलब एक साइड ओ एच आएंगे, ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस क्या किए, फिर हम डिस्कस किए ओजोनोलिसिस। अगर तुम ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हो तो दो केस हो सकता है, या तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो सकता है, या तो वो कौन सा केस हो सकता है बच्चा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो सकती है। ऑक्सीडेटिव के केस में भी डबल बॉन्ड टूट जाएगी, रिडक्टिव के केस में, बस फर्क क्या है, ऑक्सीडेटिव के केस में जितने हाइड्रोजन्स हैं वो हट के वहाँ पे क्या आ जाएंगे, सारे हाइड्रोजन्स हट के उस जगह पे क्या आ जाता है बच्चा, OH अटैच्ड हो जाता है। सबको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब देखो हम आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के ऊपर, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन तुम एसिडिफाइड KMnO4 के साथ भी कर सकते हो। अभी हम थोड़ी देर पहले एल्कलाइन KMnO4 डिस्कस किए हैं, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चाहे तुम एसिडिफाइड KMnO4 का इस्तेमाल करो, चाहे तुम एसिडिफाइड K2Cr2O7 का इस्तेमाल करो, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम बनेगी। तो अगर तुम कोई भी एल्कीन लेते हो, ठीक है, और तुम इसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ प्रोड्यूस करते हो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डबल बॉन्ड को तोड़ लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद ऑक्सीजन लगा देंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ आया, दूसरे साइड वहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चा, ओ डबल बॉन्ड सी आर, जो काम तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कर रहे थे सेम वही काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, एच की जगह क्या लग जाएगा, OH, यहाँ भी एच था, एच की जगह OH। एक दो एग्जांपल्स और ले लो ताकि तुमको क्लियर आ जाए, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसका इफेक्ट वही होगा जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का होता है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड सी, हम कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं, हम एक दो एग्जांपल यहाँ बता चुके हैं तो बहुत ज़्यादा हमको फोकस नहीं करना है इस पर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ठीक है। चलो सोचो, यूज़ कर रहे हो तुम एसिडिफाइड KMnO4, बताओ क्या बनेगा, दो मिनट वेट कर रहे हैं, बताओ मेरे भाई, खुद भी बनाया करो। लेक्चर का मतलब ये नहीं होता है कि सब पढ़ा पढ़ाया माल दे दिए, ऐसे तो तुम बुक से पढ़ लेते, बुक से पढ़ते कहाँ हो। चलो देखो, ये डबल बॉन्ड टूटेगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड, सही है, यहाँ पे एक एच लगा है डबल बॉन्ड के ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, OH में, पहला प्रोडक्ट आ गया। दूसरा बनाओ, ये डबल बॉन्ड टूटी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या बच्चा, CH2 CH3, क्या कोई हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जैसा है वैसा छूट जाएगा। क्लियर हो गया सबको। एक और देख रहे हैं हम लोग ओजोनोलिसिस से रिलेटेड एल्कीन के, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर कोई तुमसे बोले कि बेंजीन है, बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराओ, तो आसान है, बेंजीन का जब तुम ओजोनोलिसिस कराओगे, ZnHgH2O, देख रहे हो हम रिडक्टिव करा रहे हैं, ध्यान रखना ओजोनोलिसिस ज़्यादातर क्वेश्चंस जो तुमको मिलेंगे वो रिडक्टिव ही मिलेंगे, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा भैया कि सबको तोड़ो, ये डबल बॉन्ड टूटी, ये टूटी, ये टूटी, तो ये सब ब्रेक कर गया, तो यहाँ सी, ध्यान देना हम कैसे बना रहे हैं, देखना सी, यहाँ डबल बॉन्ड टूटी तो वहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, डबल बॉन्ड ओ, सबको क्लियर है, वहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चा, ओ डबल बॉन्ड सी, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, फिर ओ डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ। ये बच्चा तुम ध्यान से देखो, यहाँ तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिले हैं बेंजीन की, हम तीनों डबल बॉन्ड तोड़े, और तीनों डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद हम वहाँ पे हर जगह ऑक्सीजन लगा दिए, तो पहला मॉलिक्यूल हमको क्या मिला, पहला मॉलिक्यूल हमको मिला ये वाला, दिखा, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हमको कौन सा मिला, ये वाला, दिख गया सबको, और तीसरा मॉलिक्यूल हमको कौन सा मिला,
ये वाला। ए बच्चा, यहाँ तो ये तीनों मॉलिक्यूल सेम है, दिखा तीनों ही सेम है। तो तीनों ही सेम है तो तुम सीधे कह सकते हो कि बेंजीन का जब ओजोनलिसिस करें तो हमको तीन मॉलिक्यूल मिला, कौन सा? थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एच एच। तो ये तो आसान था, ये तो लगा कि अरे क्यों बता रहे, ये तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल देखो कब आती है, जब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया, तुमसे कोई बोला कि इसका ओजोनलिसिस करके बताओ, सही है? तो हम लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अब हमारे दिमाग में आएगा कि अरे करना क्या है, बस इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ठीक है, चलो ओजोनलिसिस कराए, रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराए, ठीक है। दिमाग में आए कि अरे ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन है, दो कौड़ी का हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हमने ये कार्बन लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाया, ओ लगाया, इस बॉन्ड को भी तोड़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाया, अच्छा इससे यहाँ डबल बॉन्ड सी CH3। ए बच्चा थोड़ा ध्यान देना, बस हम इसको तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? इसको तुम तोड़े और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाए, अगर इतना नहीं लगा पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, जाओ गंगा नहाओ। तो ये CH3 हुआ, फिर इसको हमने तोड़ा था तो यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, तो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल ऐसा अलग अलग आ गया। तो एक लोग तो कहे कि हाँ ये बन गया हमारा, चलो फिर उसके बारे में सोचे ही नहीं, इसके आगे सोचे क्या, कैसे सोचेंगे, इतना जल्दबाजी पड़ा हुआ है। तो एक पार्टिकल तो ये मिल गया तुमको, सही, एक पार्टिकल तुमको कौन सा मिल गया, ये वाला, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बच्चा, यही सब क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, नहीं तो ओजोनलिसिस काहे टफ होगी, दो कौड़ी का है, कुछ है थोड़ी ना इसमें। और एक मॉलिक्यूल ये मिल गया हमको, तो हमको ये समझ में आया कि हमारे पास तीन अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट क्या लिखे, हम लोग प्रोडक्ट लिखे, देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, ये मिल गया हमको, सही है। लेकिन क्या इसका सिर्फ यही एक फॉर्म है? हम सबको पता है कि बेंजीन हमेशा रेजोनेंस शो करता है, और अगर बेंजीन रेजोनेंस शो करता है इसका सीधा सा मतलब है कि इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी इसका एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। और वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा बच्चा, ध्यान से देखो, बेंजीन रेजोनेंस हम बना रहे, सबको रेजोनेंस आता है बेंजीन का, इसका एक और फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, और वो कौन सा फॉर्म होगा, ये वाला। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब आप बोलोगे कि अरे रेजोनेंस होने से प्रोडक्ट थोड़ी ना बदल जाएगी, चलो चेक कर लेते हैं हम उसका। एक वाला देखो स्लाइड, इस वाले में देखो ध्यान से। ये बच्चा इस वाले में हमको दो मॉलिक्यूल इसका मिला था, एक मॉलिक्यूल ये मिला था, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका कौन सा था, ये ऐसा CH3 CH3, यही था। चलो ओजोनलिसिस कराओ, क्या सीखे हो, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, चलो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला ब्रेक करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, क्या बनेगा बच्चा, ओ सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ डबल बॉन्ड। हम तुमको सिर्फ समझाने के लिए सर बना रहे हैं, तुम अगर पारंगत हो गए हो तो तुम सीधे सीधे बना लो। यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चा, CH3 ओ डबल बॉन्ड सी, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक। ये प्रोडक्टाइज सिर्फ कुछ किए नहीं है, सारी बॉन्ड्स को ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिए। अब चलो देखो, देखो भाई क्या क्या मिला, एक तो हमको ये वाला मॉलिक्यूल मिला, सही, दूसरा हमको क्या मिला, जल्दबाजी नहीं, ऐसा नहीं कि तुम सीखो ही नहीं बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, एक तो ये मिला, और तीसरा हमको क्या मिला, एक तो हमको ये मिला, तो कुल मिला के हमको तीन मॉलिक्यूल मिले।
अब हम देखते हैं क्या ये वही हैं जो पहले थे। तो एक मॉलिक्यूल तो वही है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सही। और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, वो तो दो मॉलिक्यूल मिलेगा क्या, सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ए बचा पहले में इसका एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा और ये अलग अलग, ये तो कोई नया मॉलिक्यूल मिल गया। तो अगर कोई हमसे कभी पूछा, कोई अगर कभी पूछा कि ये बताइए कि इसका ओजोनलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे इस तरह बना के दे देते हैं और कहते हैं इसका ओजोनलिसिस प्रोडक्ट बताओ, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा, हमको या तो दो मॉलिक्यूल मिल सकता है, दो मॉलिक्यूल मिल सकता है किसका, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ साथ में सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, या तो ये मिल सकता है, सही। या तो एक और पॉसिबिलिटी है, हमको एक मॉलिक्यूल मिल सकता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ का, और साथ में दो मॉलिक्यूल मिल सकते हैं सी एस, सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये बच्चा ऑप्शंस में अगर कभी पूछा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हमारे पास अगर कोई बोला कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो अगर हम डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट नई है, अलग है, ये सेम है इसके, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इसी के बर यही है, सेम है, तो उसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे डिस्टिंक्ट पूछ रहा, तो अलग अलग प्रोडक्ट पूछ रहा, तो ये बन सकता है, या ये एक अलग प्रोडक्ट है, या ये एक अलग प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट तीन होगी। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है देखो, लेकिन पीएमटी वीएमटी में, नीट में ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं। क्वेश्चन ये इस तरह लिख के पूछता है, बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा बन सकता है। तो ये यूजुअल क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, एक दो ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है। कोशिश करना कि ओजोनलिसिस खुद से बनाओ तो तुमको आसानी होगी, ठीक। अच्छा ठीक है, तो अब आज इसके आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एल्कीन्स वाला पूरा पार्ट हो गया, एल्कीन्स में जो रिएजेंट है उसको अच्छे से याद कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल्स टफ नहीं है क्योंकि बहुत सीमित रिएजेंट होते हैं इसमें, आर सी एच टू ओ एच, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे तो वो कन्वर्ट होता है पहले आर सी एच ओ में, और उसके बाद भी अगर फिर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करोगे, तो ये कन्वर्ट होगा आर सी ओ एच में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर कभी कोई अल्कोहल को, कोई भी अल्कोहल है आर सी एच टू ओ एच, अगर तुमने एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर या तो एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन का इस्तेमाल किया, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चलता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे तुमसे कि ये कंट्रोल तुम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं एल्डिहाइड नहीं बना होगा, ये पहले एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हुआ होगा और फिर ये कन्वर्ट हुआ होगा एसिड में। लेकिन चूंकि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है तो हम एल्डिहाइड को सेपरेट नहीं कर पाते, वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है और एल्डिहाइड बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। चलो अब आगे देखो ध्यान से, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। अभी हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम एल्डिहाइड कैसे लाएंगे, तो एल्डिहाइड लाने के लिए हम लोग को कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। कौन कौन से हैं, पहला पीसीसी, इसको हम लोग नाम देते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, ठीक है। और जब तुम इसका यूज़ करते हो तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, पीसीसी का इस्तेमाल करने पे
वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर कन्वर्टिंग 1 डिग्री अल्कोहल इन एल्डिहाइड। ठीक है, अगर कभी तुमसे एक बार जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा तुम पीसीसी का इस्तेमाल करो, या तो तुम पीसीसी की जगह एक और रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, पीडीसी डाइपिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो चाहेंगे हम लोग अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए। तो पीसीसी ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी पे काम नहीं करता, पीसीसी सेकेंडरी पे काम करता है, लेकिन उसकी यील्ड बहुत कम होती है। पीसीसी स्पेसिफिकली हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या तो तुम पीसीसी का इस्तेमाल करो चाहे पीडीसी का इस्तेमाल करो, दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुम CrO3H+ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इसका तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। यानी अगर तुम प्राइमरी अल्कोहल लोगे और तुम इसको CrO3H+ के साथ इस्तेमाल करोगे, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा RC OH में एल्डिहाइड। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग लेंगे ऐसा, और अगर हम CrO3H+ का इस्तेमाल करते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा RC OR-। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमारे पास ये कीटोन फॉर्म होगा। ठीक, अच्छा ध्यान देते हैं, इसको कई सारे नाम से हम लोग जानते हैं। CrO3 अगर तुम यूज़ करोगे पिरिडीन के साथ, तो इसका एक नाम होता है कोलिंस रिएजेंट। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, कई बुक में अलग अलग लिखा रहेगा। तो कभी भी CrO3 और पिरिडीन इस्तेमाल होगा तो वो कोलिंस रिएजेंट होगा। CrO3 अगर एसीटोन के साथ इस्तेमाल होगा, एक्वस एसीटोन, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं जोन्स रिएजेंट। नाम चाहे जो हो, जो अभी हम तुमको ये दो रिएक्शंस बताए हैं, CrO3 अगर होगा तो यही दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारे पास कई सारा केस आया अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करने का तरीका क्या है, हम लोग चेंज कैसे करेंगे। पीसीसी पीडीसी का इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए, सेकेंडरी के केस में हम लोग CrO3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहाँ पे CrO3 के केस में कई सारा नाम, कई बार अलग अलग नाम आता है, नाम कौन कौन सा, जैसे जोन्स रिएजेंट, कोलिंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये सारा नाम अलग अलग आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। हम लोग डायोल का ऑक्सीडेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमको काम आने वाला है। डायोल का ऑक्सीडेशन क्या होगा, समझो ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा है CH2OH, डायोल का मतलब जहाँ पे दो OH लगाओ। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये डायोल है। अगर हम इसको ट्रीट करें, इसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं HIO4 के साथ, ठीक है, तो देखो HIO4 करता क्या है, वो डायोल की बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक, डायोल की बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो जो CH2OH है वो जैसा है वैसा रहेगा, यहाँ जो CH2OH है वैसा रहेगा, बीच में इन दोनों की बॉन्ड टूट जाएगी। ठीक, और बॉन्ड टूटने के बाद वहाँ पे दो OH और लग जाते हैं। तो सिंपली HIO4 क्या करता है, HIO4 क्या करेगा, ब्रेक CC बॉन्ड, इसको सही से लिख लो, ब्रेक्स CC बॉन्ड एंड अटैच OH टू बोथ कार्बन। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि डायोल होना चाहिए, डायोल यानी दो OH अलग अलग कार्बन पे लगे हों, तभी ऐसा हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि तुमको ये पता होना चाहिए, पहले से भी तुम जानते हो कि एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, H2O के फॉर्म में ये निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा C OH, ठीक है, CH2, और ये भी क्या बना लेगा, CH2OH, यानी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए। हम कई सारा एग्जांपल और तुमको बता रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा
कि हमारे पास ये है CH3, COH, जरूरी नहीं डायोल है, तुम इसको अलग अलग पेयर में भी ले सकते हैं। और तुमसे कोई बोला कि HIO4 का एक्शन है, बताओ क्या होगा, तो हमको करना क्या है, सबको बारी बारी से ब्रेक करना है, कहाँ कहाँ डायोल है, ये एक डायोल हो गया, ये एक डायोल हो गया, ऐसे दो डायोल हो गए, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोले। डायोल का पेयर लो और कार्बन कार्बन की बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या आएगा यहाँ पे, CH3 C, इस पर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, OH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बॉन्ड टूट गई, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गई, बॉन्ड तोड़ दिए, OH, ठीक। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड टूटी है वहाँ वहाँ OH लगा दो, तो यहाँ इसकी एक बॉन्ड टूटी है तो यहाँ भी एक OH लग जाएगा, ठीक है, हम इसको किसी और कलर से दिखा रहे ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ एक बॉन्ड टूटी तो यहाँ OH लगा, इसकी भी एक बॉन्ड टूटी है तो इसके पास भी एक OH आएगा, फिर इसके पास भी एक OH आएगा, इसके पास भी एक OH आएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, देखो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी क्या बनी, देखो CH3 सही है, कार्बन, अब पहले वाले के पास दो OH, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ठीक है, प्लस दूसरी प्रोडक्ट क्या बनी बच्चा, C, एक कार्बन है और उसके पास कितने OH होंगे, तीन OH होंगे, चलो बन गया। अच्छा फिर तीसरी प्रोडक्ट क्या बनी बच्चा, CH3 C OH OH। अच्छा अभी हम तुमको थोड़ी देर पहले बताएं, सबको अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि किसी भी हालत में जब कभी भी एक कार्बन पे दो OH होता है तो वो H2O बना के निकल लेता है, तो यहाँ से H2O खिसक लेगा, यहाँ से H2O बच्चा खिसक लेगा, यहाँ से भी H2O खिसक लेगा, क्या बनेगा यहाँ पे बताओ जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे एक H होगा जो इसके साथ पहले से अटैच होगा, इसी तरह यहाँ से भी क्या आ जाएगा बच्चा, एक तो OH होगा, ठीक, एक कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक, एक H पहले से होगा जो कार्बन के साथ यहाँ से अटैच होगा, पहले यहाँ भी एक H होगा, ये भी क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो तुमको कुछ नहीं करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगी इस पर ध्यान नहीं दो, डायोल के केस में तरीका सीख लो, जो COH COH की बॉन्ड होगी उसको बीच से ब्रेक करना है और वहाँ OH OH लगा देना है, तुम्हारा आंसर सटाक से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये अल्कोहल के कुछ ऑक्सीडेशन के मेथड थे, लेकिन ध्यान देना हम इन सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टर्शरी अल्कोहल के बारे में कोई बात नहीं हो रही, याद रखना टर्शरी अल्कोहल जो होता है, ठीक है, वो जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक, डज नॉट ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो जनरली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ये सवाल तो आता है भाई, अगर स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो क्या होगा। तो कोई भी अल्कोहल जो टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, जैसे मान लो ये टर्शरी अल्कोहल है, अगर तुम इसको एसिडिफाइड KNO4 के साथ हीट करते हो, ठीक, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, ज़्यादातर लोग टर्शरी वाले पार्ट को स्किप कर जाते हैं। तो तुमको क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है एल्कीन में, पहले ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट टर्शरी अल्कोहल इन एल्कीन, पहले तो ये इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा तो क्या बनेगा बच्चा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन गया। फिर तुमको क्या करना है, फिर तुमको इसको एल्कीन की तरह ट्रीट करना है, एल्कीन वाला भी ऑक्सीडेशन थोड़ी देर पहले सिखाएं कि ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, KNO4 के साथ क्या बनेगा बच्चा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा वाला पार्ट क्या बन जाएगा, दूसरा वाला पार्ट बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, और जितने हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH। हम ये अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, तो उस वहाँ जाके देख सकते हो। तो टर्शरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे जोन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, वो ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में पहले तुम क्या करोगे, पहले उसको कन्वर्ट करोगे किस में, पहले कन्वर्ट करोगे एल्कीन में और फिर एल्कीन को तुम ऑक्सीडाइज करो। अच्छा एक केस और होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन को ऐड नहीं करते, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ये हम पहले भी एरोमेटाइजेशन में बता चुके हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं
हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी एक पार्ट है ऑक्सीडेशन का। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें होता क्या है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल में, हम लोग कॉपर के साथ हीटिंग करते हैं, ठीक है। तो कॉपर के साथ जब तुम हीट करोगे तो एल्कोहल, जैसे मान लो कोई प्राइमरी एल्कोहल है CH2OH, और तुम कॉपर के साथ हीट कर रहे हो उसको, ठीक है, 373 केल्विन पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH में। सिंपली हुआ क्या, हम तुमको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच था, देखना CH, H और यहाँ OH, तो ये दोनों रिमूव हो गए, ठीक है, तो प्लस H2 के फॉर्म में वो चीज़ बाहर हो जाएगी और ये प्रोडक्ट आ जाएगी। इसीलिए इसको डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, कि कोई हाइड्रोजन इसमें से बाहर हो रहा। अगर यही केस सेकेंडरी अल्कोहल होता, R डैश यहाँ पे क्या होता बच्चा, O, H यहाँ पे क्या होता H, फिर वही केस होता, यहाँ से क्या निकल जाता बच्चा, H2 बाहर हो जाता, क्या बन जाता, कॉपर के साथ हीट करने पे, ठीक, RC डबल बॉन्ड R डैश, ठीक है, और साथ में H2 बाहर हो जाता। अच्छा, फिर वही केस जो अभी हम थोड़ी देर बताएं कि टर्शरी अल्कोहल डज नॉट डिहाइड्रोजिनेट, वो डिहाइड्रोजिनेट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, तुम खुद ही सोचो, CH3OH, ये बच्चा चला डिहाइड्रोजिनेट कराओ, जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या होगा। फिर भी अगर तुम कॉपर के साथ इसको हीट करोगे तो वही केस, ये एल्कीन बना लेगा, ठीक, और यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेट, ये बच्चा कंफ्यूज मत होना, डिहाइड्रोजिनेट मतलब H2 का निकालना, डिहाइड्रेट मतलब H2O का निकालना, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ के केस में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अल्कोहल तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको इन सब से रिलेटेड आएंगे, हम ये पार्ट पूरा कर लें, फिर एक दो क्लास हम ऐड कर देंगे जो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है अच्छे से। अब थोड़ा अल्कोहल में आ जाओ, हम भूल गए अल्कोहल में, हाँ, एक होता है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन पढ़ लो, नहीं तो मिस कर जाएगा, फिर हम एल्डिहाइड पर आते हैं। जब कभी भी तुम्हारे पास एलाइलिक अल्कोहल होता है, एलाइलिक अल्कोहल समझ रहे होगे, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, समझ में आया, डबल बॉन्ड का अगला वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, ठीक, और उसका अगला वाला कार्बन यहाँ है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है। पोजीशंस तुमको पहले पंकज सर बताए हैं, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, विनाइलिक, और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक। तो एलाइलिक अल्कोहल कहने का मतलब क्या, कि अगर एलाइल पोजीशन पे OH लगाओ, तो अगर हम लोग एक ख़ास तरह का रिएजेंट होता है MnO2, तो MnO2 का इस्तेमाल करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, यानी ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा इसको, सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है और किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार तुमको काम पड़ेगा, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा है CH3 C डबल बॉन्ड CCOH CH2O CH2OH, ठीक है, और अगर कोई बोला कि इस पे MnO2 का अटैक आया तो बताओ क्या होगा, तो MnO2 सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करता है, तो तुमको डबल बॉन्ड खोजना है, डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे, तो इसकी एलाइलिक पोजीशन क्या होगी, यहाँ होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। तो वो सिर्फ इस वाले OH को ऑक्सीडाइज करेगा, इस OH से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इस OH को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH2OH,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह जाके अटैक कर रहा, ठीक है। तो ये एक पार्ट था, इसको आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में, ठीक है। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन देखो, एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इनको कैसे कैसे तुम ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहला एसिडिफाइड KMnO4, अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। तुम एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये तो बहुत देर से चल रहा तो तुमको समझ में आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। तो इनमें कुछ नया नहीं, ये तो तुम पहले से देखते आ रहे, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज़ तो रखना, हाँ अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पे आ गए। तुमको दो चीज़ हम डिस्कस की है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एल्डिहाइड कुछ रिएक्शंस भी देता है ऑक्सीडेशन के, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट देखो क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट ये क्या होगा इसके बारे में समझो। टॉलेंस रिएजेंट एक तरह का सल्यूशन होता है, सल्यूशन ऑफ AgNO3 अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसको कई बार हम एक कॉमन नाम से बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सल्यूशन, ठीक है। और इसको कंबाइंड फॉर्मूला लिखा जाता है AgNH3 होल टवाइस NO3 प्लस, ठीक है, माइनस। तो मेन ऑक्सीडेशन का काम Ag ही करता है, ठीक है, लेकिन अमोनिया ऐड करते हैं चीज़ों को सही से सल्यूशन में रखने के लिए और रिएक्शन कराने के लिए। तो जब कभी भी तुम किसी एल्डिहाइड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और तुम उसके ऊपर रिएक्शन कराते हो AgNH3 होल टवाइस प्लस का, ठीक है, यानी टॉलेंस का, टॉलेंस रिएजेंट, तो वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है एसिड में, एसिड क्या कहो, एसिड का एनायन कहो, ठीक है, और साथ में Ag सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है। ये बच्चा ये जो सिल्वर डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये सल्यूशन है, ठीक है, ये सल्यूशन है, तो सिल्वर जो होगी वो उसके ऊपर डिपॉजिट कर जाएगी, ऐसे ऐसे यहाँ डिपॉजिट कर जाएगी, तो वो एक लेयर बना लेती है इस सरफेस के ऊपर सिल्वर की। अब जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो सिल्वर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग मेटल होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमको मिरर टाइप की फीलिंग आती है। इसी वजह से इस टेस्ट को कई बार हम लोग नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों देते हैं, आप सबको समझ में आ गया, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स लास्ट में बन रहा सिल्वर जो अलग से बन रही, यही सिल्वर रिस्पॉन्सिबल है उस सिल्वर मिरर टाइप का इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो टॉलेंस रिएजेंट कोई भी एल्डिहाइड, ये बच्चा कोई भी एल्डिहाइड कहने का मतलब एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक कोई भी एल्डिहाइड, ठीक है, वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगी, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा अगला हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट, वो है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्या होगा, सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये बच्चा इसका काम है बफर बनाना, फेलिंग सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन के अंदर काम करता है। मेन जो फेलिंग सॉल्यूशन का रिएजेंट है, मेन रिएजेंट वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई तुम एल्डिहाइड को कॉपर प्लस टू के साथ ट्रीट करोगे तो वो कन्वर्ट होता है RC डबल बॉन्ड एसिड का एनायन बनाएगा,
और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। सेम केस है जैसा कौन था बच्चा, टॉलिंग्स। लेकिन टॉलिंग्स ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू फिलिंग्स। तो हम ये लेस लिख सकते हैं इस केस में कि ये वीकर देन फिलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कॉपर जो डिपॉजिट हुआ वो ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और फिलिंग सॉल्यूशन के केस में ऐसा प्रेसिपिटेट बनता है। तो टॉलरेंस और फिलिंग्स पहचानने का तरीका सबको समझ में आ गया। टॉलरेंस के केस में क्या होगा, टॉलरेंस के केस में हमको मिरर टेस्ट मिलेगा और फिलिंग्स के केस में हमको ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अच्छा यहाँ बड़ा ध्यान से एक चीज़ ध्यान रखना, फिलिंग सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देंगे, उसके अलावा कोई नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन देगा बच्चा, एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। तो हम एक बार समराइज टॉलरेंस और फिलिंग्स को अलग अलग देखो। टॉलरेंस और फिलिंग्स कौन कौन देगा ये इम्पोर्टेंट है। देखो टॉलरेंस के केस में हमको ये समझ में आया कौन एलिफैटिक एल्डिहाइड देगा। एलिफैटिक मतलब समझते हो जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड ना हो, जैसे एस्टल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनल्डिहाइड, ये सब एरोमेटिक भी देंगे जैसे बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, ये सब देंगे जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, ये एक बेस्ट एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा इसके अलावा टॉलरेंस फॉर्मिक एसिड भी देता है। फॉर्मिक एसिड को जब तुम टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पास करोगे, ठीक है, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, फॉर्मिक एसिड को जब तुम टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पास करोगे टॉलरेंस, तो वो कन्वर्ट होता है CO2 में, ठीक है, H2O में, और साथ में Ag टेस्ट डिपॉजिट करेगा। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मिक एसिड भी फॉर्मिक एसिड बच्चा और कोई एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड ऑल्सो गिव टॉलरेंस टेस्ट। और टर्मिनल एल्काइन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों टेस्ट देती हैं। टर्मिनल एल्काइन कहने का मतलब कि जो एल्काइन CH3 किनारे पे जिनके बॉन्ड हो वो उनको टर्मिनल एल्काइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा फिलिंग से केस में एलिफैटिक देगा, ठीक है, एरोमेटिक नहीं देता है और सिर्फ टर्मिनल एल्काइन इसका टेस्ट देंगी। तो फिलिंग्स बहुत ही सीमित है, ठीक है, बहुत सीमित है फिलिंग्स। फिलिंग्स के केस में सिर्फ दो रिएक्शंस होंगे, दो ही कॉम्प्लेक्स फिलिंग्स टेस्ट देते हैं, एलिफैटिक और कौन सा बच्चा, टर्मिनल एल्काइन ऐसा टेस्ट देंगी। टॉलरेंस थोड़ा बड़ा है, उस केस में कौन कौन होगा, एलिफैटिक, एरोमेटिक, फॉर्मिक एसिड और टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं हैलो फॉर्म रिएक्शन। ये हम क्लास में डिस्कस कर लिए, अच्छे से बताए भी हैं तुम लोगों को, हैलो फॉर्म रिएक्शन बताए थे, मिथाइलिक कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप वही टॉलरेंस टेस्ट देगा, सॉरी हैलो फॉर्म देगा। हैलो फॉर्म मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, या तो ये रिएजेंट हो या NaOBr रिएजेंट, इन दोनों में से कोई भी हैलो फॉर्म टेस्ट का रिएजेंट होगा। तो इसमें होता क्या है कि अगर कभी भी जो लोग क्लास नहीं किए होंगे, कोई भी मिथाइलिक कीटो ग्रुप है, हम इसके मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बताएं, वहाँ जाके देख सकते हो। मिथाइलिक कीटो मतलब कीटो और मिथाइल के साथ, जब कभी भी तुम इसको ट्रीट करोगे Br2NaOH के साथ, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये मिथाइलिक वाला ग्रुप टूट जाता है और वो हैलो फॉर्म बना लेता है। ठीक है, हैलो फॉर्म मतलब जैसे यहाँ ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये ब्रोमो फॉर्म बनाए CHBr3। ठीक है, और बचा हुआ पार्ट वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड का एनायन बना लेता है। ठीक है, तो हैलो फॉर्म टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बस एक चीज़ बतानी है कि अल्कोहल्स भी हैलो फॉर्म टेस्ट देते हैं। पता है कि हैलो फॉर्म का एक कलर होता है, इसी वजह से ये हैलो फॉर्म टेस्ट कहा जाता है। लेकिन अल्कोहल्स को चेक करने का तरीका क्या है कि कोई भी अल्कोहल है अगर उसको चेक करना है कि वो हैलो फॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं, तो तुम उसको एक स्टेप ऑक्सीडाइज कर लो, मतलब इसको कन्वर्ट कर लो एल्डिहाइड में। अब देखो कि ये हैलो फॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं,
तो हमको ये दिखा कि देखो इसके पास मिथाइलिक कीटो ग्रुप है, गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट, गिव्स हेलोफॉर्म, अगर ऑक्सीडाइज वाला पार्ट हेलोफॉर्म दे रहा है तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, टेस्ट क्यों बोल रहे, क्योंकि हम, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ। अच्छा फिर नेक्स्ट, अगर तुम यहाँ देखो कि अगर तुमसे कोई बोला CH3, CH2, CH2OH, अब बताओ ये देगा कि नहीं, तो तुम पहले एक स्टेप ऑक्सीडाइज कर लो उसको, एक स्टेप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये बच्चा अब तुम देख रहे हो यहाँ कोई मिथाइलिक कीटो ग्रुप नहीं है तो कोई हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, कोई हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा तो ये भी कोई हेलोफॉर्म नहीं देगा। ठीक, तो इतना हम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। ठीक, एल्डिहाइड ये लास्ट पोर्शन है इसका, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को ये सारे रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एक पॉइंट आता है एरोमेटिक ऑक्सीडेशंस का, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में भी कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहला वाला, ध्यान रखना, वो है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन। कोई भी बेंजीन रिंग हो और उसके साथ कोई हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जुड़ा हो, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के पास मस्ट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन, मस्ट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन, अगर तुम उसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट करते हो, अगर तुम उसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, सॉरी, अगर तुम उसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट करते हो तो उस केस में वो कन्वर्ट हो जाता है COH, सीधे बेंजोइक एसिड में। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजोइक एसिड में। तो अगर जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि अगर हमारे पास ये है, अगर तुम उसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट करो तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में, COH। अगर तुम CH2CH3 रखे हो, चाहे कितनी बड़ी चेन हो उससे मतलब नहीं है, वो सारा चेन हट जाएगा, सब पार्ट हट जाएगा और सीधे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, सॉरी, ठीक ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा, और फिर तुम इसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हो तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन होना, अल्फा हाइड्रोजन समझते हो ना, बेंजीन से जुड़ा हुआ अगला कार्बन, इसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। सिमिलरली एक रिएक्शन हमारे पास होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में एक हम यूज़ करते हैं रिएजेंट CrO2Cl2। कभी भी बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा हो और तुम CrO2Cl2 का यूज़ कर रहे तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, सॉरी, उसको कन्वर्ट कर देगा CHO में। तो पिछला रिएक्शन KMnO4 के साथ और इटार्ड दोनों एक तरह काम करता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए पहला, और वो सिंपली करेगा क्या, वहाँ पे COH लग रहा था और यहाँ पे क्या लग जाता बच्चा, CHO। तो ये दो रिएक्शंस तुमको बार बार काम आएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी क्लास हो गई ऑक्सीडेशन की, कल हम रिडक्शन पढ़ाएंगे और फिर हम कंबाइन करके कई सारा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।